हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप इंडियन कोस्ट गार्ड में अपना फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पर फोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना होता है। आप जैसे ही फोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को अपलोड करते हैं, वहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा, जिस कारण आपका फ़ोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन अपलोड नहीं होते हैं। तो आपको इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देख लेते हो तो आप 100% इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों, किस तरीके से आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो दोस्तों, आपको किस टाइप का फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए, इस टाइप को आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, जिस तरह आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आप स्लेट ब्लैक स्लेट में आपको यहाँ पर अपना नाम डाला है और डेट ऑफ प्रेजेंट डालनी होगी। और यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए, आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करना है, जिस तरह से यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको सीधे सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ से दोस्तों, आपको अपने थंब इम्प्रेशन को अपलोड करना है। अब दोस्तों, किस तरीके से आपको अपलोड करना है, सबसे पहले हम आपको एक पॉइंट्स बता देते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपने फ़ोटो का जो नाम रखना है, फाइल नेम, वो आपको यहाँ से देखिए, पासपोर्ट फोटोग्राफ, आपको यहाँ पर देखिए बीच में एक डैश दिख रही होगी, ये भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पासपोर्ट फोटोग्राफ का अगर आप मीनिंग भी आप मिसमैच कर देंगे या छोटा बड़ा कर देंगे तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको यही नाम आपको अपने फ़ोटो का नाम रखना है। और यहाँ से सिग्नेचर का आपको सिंपल सा सिग्नेचर लिखना है, एस आपको बड़ी बनानी है और बाकी स्मॉल लेटर आपको ये फाइल नेम देना होगा। और यहाँ से देखिए, थंब इम्प्रेशन में आपको इस तरीके से थंब लिखेंगे और यहाँ इस तरीके से आपको डैश देनी है और यहाँ पर देखिए इम्प्रेशन लिखा है, इस तरीके से आपको थंब इम्प्रेशन फाइल नेम देना होगा। अगर आप इस फाइल नेम को नहीं देते हैं तो आप फोटो और सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन को अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको एक डेमो करके दिखा देते हैं किस तरीके से आपको फोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को फाइल नेम देना होगा। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी फ़ोन की गैलरी में वही फ़ोटो चूज कर लेना है जिस फ़ोटो को आप फाइल नेम देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको यहां से देखिए इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहां से देखिए आपको रीनेम पर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों, आपको इस फाइल नेम को हटाकर आपको यहां पर पासपोर्ट इस तरीके से आपको लिखना है, पासवर्ड, और आपको यहाँ से देखिए ये वाली डैश लगानी है, ना कि आपको दूसरी कोई डैश। अगर आप ये डैश नहीं लगाते हैं तब भी आप फ़ोटो को अपलोड नहीं कर पाएंगे। आपको इस तरीके से पासवर्ड लिखने के बाद आपको यहाँ से देखिए फ़ोटोग्राफ लिखना होगा। इस तरीके से आपको फ़ोटोग्राफ लिखने के बाद आपको ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, जिससे आपका फाइल नेम ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका फाइल नेम पासपोर्ट फोटोग्राफ हो चुका है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर का भी फाइल नेम देना होगा। सिग्नेचर को आपको यहाँ से देखिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से देखिए आपको रीनेम पर क्लिक करके आपको यहाँ से देखिए थंब इम्प्रेशन इस तरीके से आपको लिखना होगा, जैसे हम लिख रहे हैं इस तरीके से। आपको थंब लिखने के बाद देखिए दोस्तों, अगर आप इस डैश को लगाते हैं तभी आपका मान्य होगा, वरना आप इसमें अपलोड नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हम लिख रहे हैं इसी तरीके से आपको लिखने के बाद आपको ओके के बटन पर एक बार क्लिक कर देना है, जिससे देखिए दोस्तों इसका फाइल नेम हो चुका है। देखिए दोस्तों, हमने इसमें पहले से फाइल नेम दे रखा है, तो चलिए हम आपको वही वाला दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको देखिए दिखा रहे हैं, यहाँ पर मैंने रीनेम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसका फाइल नेम थंब इम्प्रेशन दिया था। अब इसी तरीके से आपको यहाँ से देखिए, आप सबको सिग्नेचर में भी आपको सिंपल सा सिग्नेचर लिखना है। इसके लिए आपको यहाँ से देखिए थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से रीनेम पर क्लिक करके आपको यहाँ से देखिए आपको अपना लिखना है सिग्नेचर, SIGNHTURE, इस तरीके से आपको लिखना है और आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको कर देने के बाद, अगर आप फोटो को रिसाइज करना नहीं जानते हैं तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है क्यू रेडियस लाइट। इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इसमें आप कितने भी के बी में आप अपना फ़ोटो बना सकते हैं। इसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी में जहाँ पर भी फ़ोटो रखा है उस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, जितने के बी में आप बनाना चाहते हैं उतने के बी में बना सकते हैं। जैसे दोस्तों, हम यहाँ से 50 KB कर देते हैं। अब आपको कंप्रेस पर क्लिक करना है। जैसे आप कंप्रेस पर क्लिक करोगे, देखिए दोस्तों, हम यहाँ से 60 KB में कर देते हैं। कंप्रेस पर क्लिक करोगे, आपका यहाँ पर फोटो
देखिए दोस्तों, मेरा पहले से यहाँ पर 47 KB में है, तो मैं यहाँ से 30 KB करता हूँ और आपको कंप्रेस पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको फ़ोटो को कंप्रेस करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको अपनी फाइल का रीनेम करके आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ऐसे आप फ़ोटो और सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को अपलोड करेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।